चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ नाइका के प्रोडक्ट्स का। तो मैंने अभी रिसेंटली नाइका से कुछ प्रोडक्ट्स जो है मैंने ऑर्डर करे थे, और मैंने अब ऑर्डर करे वो अभी अराइव हो चुके हैं। कुछ पहले हुए थे एंड कुछ अभी हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक छोटा सा होल टाइप बना लूँ वीडियो का, जिसमें मैं आपको रिव्यू दूंगी सारे प्रोडक्ट्स का एंड अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। तो ये ओवरऑल वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अभी जाइए और लाइक करें वीडियो को। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए थे, इसलिए मैंने नाइका से ऑर्डर किया है। नाइका पे आपको पता ही है अभी मोस्टली ब्रांड्स पर सारे पे और डिस्काउंट चल रहे हैं, सीजन सेल चल रही है, तो इसलिए मैंने नाइका से ऑर्डर करे है। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको, या बॉक्सेस देख सकते हैं, इतने सारे बॉक्सेस हैं मेरे पास। तो हम इसको एक एक करके अनबॉक्स करने वाले हैं। इसमें से मैं आपको बताऊँ, मैंने एक बॉक्स जो है पहले अराइव हो गया था, उसमें लिपस्टिक थे, तो वो बॉक्स मैंने पहले खोल के देख लिया था और थोड़ा सा मतलब वो खोल लिया था मैंने, क्योंकि देखना भी ज़रूरी है कि प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो मैंने वो खोल के देख लिया था, और बाकी सारे तो अभी बाकी दोनों जो बॉक्सेस हैं वो अभी आए हैं, तो वो भी नहीं खुले हैं। तो चलिए खोलते हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये बबल रैप में पैक होके आए थे जैसे, और ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, बाकी ये बॉक्स खाली है। हाँ, ये रहा मेरे पास है इसका बबल रैप, इस पर इसमें रैप होके आए थे। ये मैंने उतार दिया था, बट मैंने इसको संभाल के रख लिया था। सो अब मैं आपको इसको सबसे पहले है ये लिपस्टिक, आप लिपस्टिक देख सकते हैं। मैं इसका शेड बताती हूँ, ये है मैट की लिक्विड लिप कलर, और ये शेड है फिस्टी, और ये फिस्टी रेड शेड में ही आती है। इसको मैंने अप्लाई करा था अपने प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने वीडियो करी थी उसमें मैंने दिखाए थी ये वाली लिपस्टिक, मैंने ये लगाई थी। तो ये लिपस्टिक मुझे वैसे ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और ये लिप्स पे मतलब लिप्स पे आप लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगे, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं इसका आपको प्राइस बताती हूँ। तो गाइस, इसका MRP इन्होंने 395 रुपीज़ लिखा है, बट क्योंकि सीजन सेल चल रही थी तो डिस्काउंट पे लगाकर 195 रुपीज़ की मिली है हमें। मीन्स हाफ रेट पर मिली है पूरी, और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। तो इसका मैं आपको नीचे प्राइस मेंशन कर दूंगी, तो आप इसको ले सकते हैं। गाइस, अब इसी की लिपस्टिक के बारे में, हमारी जो है मैट लिपस्टिक, आप ये देख सकते हैं मैट लिपस्टिक है ये, और जो मैंने अभी अप्लाई कर रखी है ये लिपस्टिक है। इसका जो शेड है वो है न्यूड कॉफ़ी, A2 न्यूड कॉफ़ी, सो कॉफ़ी टाइप में है ये थोड़ी, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अभी मैंने इसको लगाई है, सुंदर है ये और मुझे अच्छी लगी, काफ़ी ब्यूटीफुल है और लॉन्ग लास्टिंग है। गाइस, ये लिपस्टिक्स मैंने दोनों अप्लाई करके देखी है और ये काफ़ी समय तक रहती है, सो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है लिपस्टिक ओवरऑल। इसका मैं आपको प्राइस बताओ, आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ इसका MRP है, और डिस्काउंट इस पर नहीं मिला है हमें, ये सिर्फ 80 रुपीज़ में ही मिली, MRP में ही हमें मिली है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैक्मे की CC क्रीम। सो गाइस, ये ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है, CC क्रीम, BB क्रीम वगैरह वगैरह। ये है लैक्मे 9 to 5 CC कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम, ठीक है। सो गाइस, ये आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं, इसका कलर जो भी आपको लेना हो, जैसे इसमें 3 शेड्स होती हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। मॉइस्चराइज करता है, ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक बार, ये देख सकते हैं आप, इतने बड़े से पैकेट में हमें कितनी छोटी मिलती है। सो ये है हमारी छोटी सी क्रीम, वही है, इसमें वही लिखे ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा लगाकर, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कैसे ये स्किन को ब्राइट कर रही है एंड मॉइस्चराइज कर रही है अच्छे से। तो ये मेरे को काफी अच्छी लगी है, मैंने इसको काफी बार लगाया है, तो ये आप देखिए अच्छे से ये हो रही है, अलग से ब्राइटन कर रही है ये इसको, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। गाइस, ये थे मेरे सारे, ये 3 प्रोडक्ट्स थे जो मेरे पहले आ चुके थे, ये मैंने आपको दिखाए, और ये मेरे को ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे एंड सारे ठीक थे, बट जो मैंने आपको लिक्विड लिप कलर वाली लिपस्टिक दिखाई वो वाली लिपस्टिक ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, एंड अगर आपको मेकअप रिमूव करना हो तो आप उसको वाटर से वॉश करेंगे, वो ईजिली रिमूव हो जाती है, और वैसे का जो ओवरऑल है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है।
एंड ऐसे ही दूसरी लिपस्टिक भी है, बट उसके कंपेयर में मुझे लिप कलर, लिक्विड लिप कलर वाली ज्यादा अच्छी लगी। तो गाइस अब है बारी दूसरे बॉक्स को अनबॉक्स करने की, जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। चलिए हम खोलते हैं। सो ये है बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बॉक्स है, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें लिखा है आइटम्स इन द बॉक्स 1, मतलब इसके अंदर एक ही आइटम है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है, इसको अनबॉक्स करते हैं। Thousand years later. So guys, क्या निकला है देखो। और कुछ है इसके अंदर? बिल है, देखो बिल इन्होंने कैसे डाल रखा है। बिल देख सकते हैं आप, ये लग रहा है किसी एंगल से बिल है ये। देखते हैं पहले इन्होंने कितने हमारे पैसे लिए हैं। गाइस इस बॉक्स में हमें मिला है ये आई पैलेट, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आई पैलेट है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शैडो पैलेट। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, बस इसमें छोटा सा ये क्रैक है, तो डिलीवरी के वक्त शायद हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट अंदर के कलर्स हमारे इम्पोर्टेंट है, वो सारे ब्रोकन नहीं होने चाहिए। सो ये मेरे को, अब हम शेड्स खोलते हैं इसके। सो गाइस आप ये कलर देख सकते हैं इसके, कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं सारे। इसमें पार्टी वेयर कलर्स हैं, ये मैट कलर्स हैं, शाइनिंग वाले सारे ग्लिटर वाले कलर्स हैं। तो इसके जो कलर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम मीन्स ब्यूटीफुल कलर्स हैं, और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे बस छोटा सा इसमें डिफॉल्ट ये हो गया कि इन्होंने ये थोड़ा सा क्रैक लग गया है, बट इट्स ओके। बाकी कलर्स तो हमारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मुझे जैसे हमने देखे थे ऑनलाइन वैसे ही है एकदम। तो मेन बात ये है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो इसका मैं आपको प्राइस बताऊँ, ये है 229 रुपीज़ का, तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था शायद। इसको मैं अभी यूज़ करूँगी एंड बाकी वीडियोस में आपको रिव्यूज़ का मिल जाएगा कि मेरे को ये कैसे लगे, इसके कलर्स ब्राइटन है या नहीं है, मतलब अच्छे हैं या नहीं है। तो उसका रिव्यू मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस में दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन को हिट करो। सो गाइस अब हम खोलने वाले हैं अपना लार्ज वाला बॉक्स, जो है ये वाला, लाइक आप देख सकते हैं ये, इसको हम खोलने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी थोड़ा खुला ही पड़ा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसके प्रोडक्ट्स ये रहे, ये तो एक बोटाइप होता है, समझ सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये निविया की है बॉडी लोशन है, ये टेंडर कोकोनट ऑयल है। सो गाइस ये आपको पता ही है, बॉडी को मॉइस्चराइज करती है ये अच्छे से, एंड सारी स्किन टोन्स के लिए, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो चाहे नॉर्मल हो, हर स्किन टोन के लिए आप ये लगा सकते हैं बॉडी लोशन। तो ये है 200 ml, और इसका जो प्राइस है वो है 260 रुपीज़, बट इसका डिस्काउंट लगाकर हमें ये प्राइस ओवरऑल पड़ा है 169 रुपीज़। तो ये 169 रुपीज़ की है, और ये हम मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि ऑल सीजन केयर है, और आप इसको कोई भी सीजन में यूज़ कर सकते हैं। पता है अभी विंटर सीजन आ चुकी है, तो बॉडी हमारी जो है वो ड्राई हो जाती है थोड़ी सी, तो इसीलिए हमें मॉइस्चराइज करने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा यूज करके बताती हूँ। सो गाइस ये मैंने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मुझे जो है फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे इसकी फ्रेग्रेंस, और इसमें ऑयल ज्यादा है क्योंकि बॉडी को आपको मॉइस्चराइज करने के लिए ऑयल ज्यादा चाहिए होता है इसलिए। तो ये ओवरऑल मुझे काफी अच्छी लगी, इससे आपके जो है हैंड्स वगैरह ड्राई नहीं होंगे, आप इसे लगा सकते हैं अच्छे से, तो इससे आपके ड्राई नहीं होंगे हैंड्स। अब हमारा लास्ट आइटम है ये आप देख सकते हैं, ओलिविया का है क्लिंजिंग मिल्क, एलोवेरा है ये, एलोवेरा क्लिंजिंग मिल्क है, 100 ml है ये। सो गाइस ये भी बेसिकली मॉइस्चराइज करने के लिए, आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए होता है ये क्लिंजर। तो इसको आप जो है कॉटन में लेकर क्लीन कर सकते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ इन्होंने
कि दिस लाइट फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन हेल्प्स इन रिन्यूइंग डर्ट पोल्यूटेंट्स, जो भी आपके मतलब डर्ट मतलब लगे होते हैं, धूल मिट्टी लगती है, वो सारी इससे उतर जाती है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओलिविया का है, ये कंपनी का है। तो गाइस इसका MRP है 70 रुपीज़, बट इन्होंने हमें डिस्काउंट लगाकर 63 रुपीज़ दिया है, तो ठीक है 7 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला हमें इसमें। अब ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स इतने ही हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आपको कौन सी नई नई वीडियोज़ चाहिए उसको भी कमेंट करें। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।